आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। धू धू कर जलती ट्रेन और अफरा तफरी का माहौल। जी हाँ, खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन की दो बोगियों में आग लग गई। आपको बता दे कि ये ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी और पैसेंजर ट्रेन जैसे ही दौराला स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन के पिछले हिस्से में आग लग गई। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि ट्रेन दौराला स्टेशन पर खड़ी थी और उसी वक्त सवारियों के चढ़ने और उतरने का काम हो रहा था। तभी कुछ लोगों की नजर ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से पर गई, जिसमें से धुआं निकल रहा था। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग भाग खड़े हुए और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सवारियों को तेज से नीचे उतारा गया और जो आसपास खड़े हुए लोग थे उन्हें भी दूर किया गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दौराला थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें भीषण हो चली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि ट्रेन में आग लगने के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि शताब्दी, नौचांदी, शालीमार ट्रेन करीब 2 घंटे तक प्रभावित रही, जिसके बाद इस ट्रेन पर ट्रेनों का यातायात फिर से सुचारू कर दिया गया है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।